जो उस समय के शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनकी उन्होंने होटल खुलवाई, चाय की दुकानें खुलवाई, और वो अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने अधिकारियों के साथ निकलते थे और उस होटल पर रोकते थे अपना कारवां, वहीं खुद खाना खाते थे। उसी दलित जिसकी परछाई से दूर रखा गया था, और वो अपने अधिकारियों को और मंत्रियों को भी मजबूर करते थे कि तुम भी इसका खाना खाओ, तुम भी इसकी चाय पियो। तो ये क्रांति की, ये सब करते 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 हमारे देश में आजादी के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली, आजादी के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे अंग्रेजों का भी। मन का भाव है कि ये काम होना चाहिए, मन की चाहत है कि भाई ये धम्म का काम होना चाहिए। तो जब हम भारत में इसका अध्ययन और चिंतन करते हैं तो भारत में जो ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग पाए जाते हैं वो दो प्रकार के बुद्धिस्ट पाए जाते हैं। एक बुद्धिस्ट तो वो हैं जो बाबा साहब की धम्म चक्र प्रवर्तन क्रांति से प्रभावित हुए हैं, अर्थात बुद्ध से प्रभावित नहीं हुए हैं, बाबा साहब से प्रभावित थे। बाबा साहब ने उनकी हजारों वर्षों की गुलामी की जंजीरों को काटा, स्वाभिमान का जीवन बाबा साहब ने उनको दिलाया और बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, इसलिए वो लोग कहते हैं कि भाई हम भी बुद्ध हैं, बाबा साहब ने हमें ये पवित्र धम्म दिया है, तो उन भावनाओं से प्रभावित है। ठीक। दूसरे बुद्ध पाए जाते हैं साख्य मौर्य और सैनियों में। साख्य मौर्य सैनी, जब हम उनके बीच में काम करते हैं, उनके भावनाओं के उनकी मन की पहचान करते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो बुद्ध की योग्यताओं से प्रभावित नहीं है। बुद्ध के तप तपस्या त्याग या उनकी शिक्षा जो है उनसे प्रभावित नहीं है वो। तो वो किससे प्रभावित हैं? वो उससे प्रभावित हैं कि बुद्ध उनकी जाति के थे। वो स्वयं को भी साख्य सैनी मौर्य मानते हैं और बुद्ध भी साख्यवंशी थे, इसलिए प्रभावित थे। तो ये दो फंडे हैं, इन फंडों को समझना होगा और समझकर हमें इनसे ऊपर निकलना होगा यदि वास्तव में हम बुद्ध के धम्म को स्वीकार करना चाहते हैं। हमारे भारत में जिन्होंने धम्म को स्वीकार किया है उनके जीवन में या उनके पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता। तो बड़ा बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता तो इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यह है कि हमने बुद्ध को ऊपरी तौर पर तो स्वीकार किया है, ऊपरी तौर पर हमने उसको ग्रहण किया है, या हमने समाज को दिखाने के लिए स्वीकार किया है। वास्तविकता यह है कि हम उसकी गहराइयों में नहीं उतरे हैं, इसलिए जो बौद्ध हैं भारत में उनके जीवन में भी कोई बड़ा परिवर्तन नज़र नहीं आता है। अच्छा, उनके जीवन में जब बड़ा परिवर्तन नज़र नहीं आता है तो फिर वो सामने वाले को या अपने दूसरे भाई को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने बस्ती को, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने प्रदेश को, अपने देश को वह लोग प्रभावित नहीं कर पाते हैं। बल्कि मेरी जानकारी तो यहाँ तक है कि 99% ऐसे परिवार हैं, ऐसे बौद्ध हैं जो स्वयं के परिवार को भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ये मैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कहने का मतलब है कि जो कमियाँ और खामियाँ हैं यदि हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे तो शायद फिर उन्हें हम अपने जीवन में से निकाल नहीं पाएंगे, और निकाल नहीं पाएंगे तो जो एक परिवर्तन, एक बदलाव आना चाहिए वो शायद नहीं आएगा। तो मैं
अब आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहता हूं इतिहास की ओर। आप सब बुद्धिमान साथी हैं और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं। मैं तो एक जूता बनाने वाला था, जूते का काम करता था, कांशीराम साहब की संगत में आ गया। बहन जी का आशीर्वाद रहा तो इतनी दूर तक जाने का मौका मिल गया। हमारे परिवार की कोई बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी जहाँ से मुझे ये सब कुछ मिला हो। ये सब कुछ तो साथियों, ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। एक नज़र हम डालते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता पर। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, मेरे ख्याल डॉक्टर बिमल योगी साहब ने उसको लिखा है। डॉक्टर बिमल योगी साहब ने उसको लिखा है और मैं उसे लिखना नहीं कह सकता, मैं उसको संकलन कह सकता हूँ, इकट्ठा किया है उन्होंने। और कम से कम दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों की जो सोच थी, जो विचार थे, जो खोज थी, उसको उन्होंने इकट्ठा किया है, संग्रह किया है उसका। तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पूरी दुनिया में मानव की बुद्धि का विकास होता है। और मानव की बुद्धि का जो विकास होता है उसका जो लिखित प्रमाण मिलता है वो 10,000 वर्ष का है। 10,000 वर्ष से ज़्यादा का नहीं है, इससे ऊपर का काल्पनिक है। जिसके मन में जो आया, जिसने अपने अपने पंथों की रचना की है, संरचना की है, उसके पंथ के जो रचनाकार हैं उन्होंने, किसी ने लाखों वर्ष बोल दिया, किसी ने 5 लाख वर्ष बोल दिया, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण ये कि मनुष्य के अंदर जो बुद्धि विकसित हुई वो 10,000 वर्ष पहले विकसित हुई और सभ्यता आई मनुष्य के, इंसान के। पहले इंसान भी जानवरों की तरह, पशु की तरह आदि मानव के नाम से उसे जाना जाता था, वैसे ही जीवन जीता था। मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ, मुझे दूसरी बातें ज़्यादा करनी हैं। तो 3 सभ्यताएँ हमारे देश में आई, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये 3 सभ्यताओं में विकसित हुआ, यानी संस्कार मानव में विकसित हुए। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इन 3 सभ्यताओं में से हमारे पूर्वज किस सभ्यता को मानने वाले थे। तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता का जब अध्ययन करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो सिंधु घाटी की सभ्यता के मानने वाले लोग थे। अब जब ये प्रश्न हल होता है तो 2 प्रश्न खड़े होते हैं। एक प्रश्न खड़ा होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को मानने वाले लोगों का भूगोल क्या था, संपूर्ण पृथ्वी पे उनका कितना क्षेत्रफल था। तो इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो जम्मू द्वीप है या अनुमानित हम कह सकते हैं कि 50% से अधिक भूभाग ऐसा था जिस पे सिंधु घाटी की सभ्यता को मानने वाले लोगों का शासन चलता था, हुकूमत चलती थी। दूसरी जो 2 सभ्यताएँ वो बहुत छोटे छोटे भूगोल में थी। दूसरा प्रश्न ये होता भाई उनमें और इनमें क्या फर्क था। तो जब इस पे हम चिंतन करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो दूसरी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की और मिस्र की, वहाँ गुलामी प्रथा थी, दास प्रथा थी। वहाँ मनुष्यों की पशुओं के समान उनकी बिक्री होती थी, वाकादा बाजार लगते थे और उसमें खरीदे बेचे जाते थे औरतें आदमी। ये सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता में संपूर्ण मानवता थी, कोई जाति नहीं थी। और जब तक किसी भी भगवान ईश्वर का भी निर्माण नहीं हुआ था, किसी का जन्म नहीं हुआ था, ये सब बाद में जन्म हुए हैं।
और नर और नारी में भी कोई फर्क नहीं था। आप पढ़ेंगे उसमें तो पाएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को मानने वाले जो समाज था उसमें लोकतंत्र नहीं था लेकिन गणतंत्र था। चुनाव होते थे और कई नगरों की जो नगर प्रमुख थी वो महिलाएं हुआ करती थी। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि महिलाएं भी नगर की प्रमुख हुआ करती थी, महिलाएं भी सभासद हुआ करती थी उस नगर की। तो इसका ये प्रमाण होता है कि नर और नारी में कोई भेद नहीं था, समान रूप से दोनों बराबर के थे। विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो आज से 8000 वर्ष पहले सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता को मानने वाले लोगों में विज्ञान विकसित हुआ था। उसका प्रमाण इससे मिलता है कि उस जमाने में भी 8-8 मंजिल मकान हुआ करते थे, इमारत हुआ करती थी। और जो अभी ये पश्चिमी टॉयलेट बाथरूम है ना, ये सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मिलते थे, है ना ये। और दुनिया का व्यापार हम लोग ही करते थे, ये सब उसमें मिलता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जब इतना मानवतावादी समाज था जिसमें कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई भगवान नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, कोई जातियां नहीं थी, तो ये समाज पद्दलित कैसे हुआ? ये मानव समाज वर्णों में कैसे विभाजित हुआ? जातियां कहां से आई? ये हमको इसका अध्ययन और चिंतन करना पड़ेगा। इसका अध्ययन और चिंतन करने के लिए हमें एक किताब दूसरी है वो पढ़नी पड़ेगी। उस किताब का नाम है बोलगा से गंगा। उसको लिखा है पंडित राहुल संस्कृतान ने उस किताब को लिखा है। उसको यदि हम पढ़ते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुछ मिस्र की सभ्यता के लोग हमारे देश में आए। ये बोलगा क्या है? ये बोलगा क्या है? बोलगा एक नदी है और गंगा क्या है? गंगा भी एक नदी है। उस नदी के किनारे 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 चलकर कुछ लोग भारत में आए और जब वो भारत में आ गए तो उन्होंने भारत की सभ्यता को देखा। तो उन्होंने देखा, यार यहाँ तो जो लोग रहते हैं ये तो बड़े शुद्ध हैं। शुद्ध माने छल, कपट, चोरी, झूठ, फरेब उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। इंसान और इंसानियत उनके विलड में है, खून में है। एक उदाहरण से प्रमाणित होती है। किस उदाहरण से प्रमाणित होती है? आपने सुना होगा महाराजा बलि का नाम। राजा बलि के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो हमारे महापुरुषों ने नहीं लिखे, वो जो बाहर से आए थे उन्होंने ही लिखे हैं। लेकिन जो बाहर से आए जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं उनमें ही उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? कि राजा बलि का एक ऐसा शासन था कि उनके शासन में दरवाजे नहीं थे, मकानों में दरवाजे नहीं हुआ करते थे। तो आप अब ये सोचिए, अंदाज लगाइए कि दरवाजे क्यों नहीं होते थे। तो दरवाजे इसलिए नहीं होते थे कि चोरी ही नहीं होती थी, चोर ही नहीं थे। समझ रहे ना बात को? तो ऐसा एक शासन था हमारे पूर्वजों का। लेकिन छल कपट धोखे से बाहर से आए हुए आर्यों ने आक्रमण करके छल कपट धोखे से हमारे पूर्वजों को पराजित किया। और पराजित करने के बाद उन्होंने हमारी मानवतावादी संस्कृति को समाप्त कर दिया
और समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी संस्कृति का निर्माण किया, जिसे हम ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करके अपनी संस्कृति को स्थापित किया और उसको वहाँ से उन्होंने वर्ण व्यवस्था लागू की। समूची मानव जाति को उन्होंने चार वर्णों में बांटा, वो आप अच्छे से जानते हैं, मुझे उस पर ज़्यादा समय नहीं लेना। और ये जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिन्हें आज की तारीख में हम SC ST OBC कह सकते हैं, या धार्मिक रूप से मुस्लिम सिख बौद्ध पारसी ईसाई कह सकते हैं, तो ये जो मूल निवासी थे इनको उन्होंने सेवक घोषित किया, अपना गुलाम दास लाचार बनाया और उनको शूद्र के नाम से घोषित किया। ये लगभग 2000-1500 वर्ष तक ये व्यवस्था चलती है, यानी इंसानियत तहस नहस हो जाती है, मानवता ख़त्म हो जाती है और हमारे पूर्वजों का जीवन पशुओं से भी बदतर हो जाता है। ठीक है, इसी अवस्था में इसी के बीच सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। मेरा मतलब ये कहने का है कि हमको बुद्ध को क्यों फॉलो करना चाहिए, हमको बुद्ध को क्यों मानना चाहिए। सिद्धार्थ का जन्म होता है और सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु टाइप के थे, उनका जो स्वभाव था बड़ा दयालु था, न्यायप्रिय था। वो जब देखते थे, भैया कोई प्रश्न किसी का हो तो नोट कर लो, प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आप पूछ लेना, हम कोशिश करेंगे उसको हल कर दें, नहीं कर पाएंगे तो माफ़ी मांग लेंगे, आपसे टाइम मांग लेंगे। ठीक है, तो उनके मन में ये हमेशा चलता रहता था कि भाई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण क्यों करता है। तो वो अपने जो पुरोहित उनके राज्य में होते थे, ब्राह्मणी पुरोहित होते थे, उनको वो पूछते थे कि गुरुजी एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण क्यों करता है, ये तो गलत बात है। तो गुरुजी उनको कहते थे कि ये सब ईश्वर के कारण होता है, ईश्वर के कारण होता है, ये ईश्वर की विधि है, ईश्वर ने ये विधि बनाई है। तो उनको लगता था कि भाई एक और तो ये बताया जाता है कि ईश्वर ने ही सबको पैदा किया है, ईश्वरी परमपिता है, और दूसरी बात जब वो उसी ने सबको पैदा किया है, वही सबका परमपिता है, तो फिर ये भेदभाव क्यों। इस सबके बीच में उनकी उम्र 16 वर्ष हो जाती, उनकी शादी हो जाती है, 20 वर्ष की आयु में साख्यों का एक संघ था, जैसे आज के हम राज्यसभा कह सकते हैं, हमारे देश में 28 राज्य, तो 28 राज्यों से राज्यसभा के लिए प्रतिनिधि चुन के आते हैं। इसी तरह से साख्यों के जो राज्य थे, तो उन्होंने अपनी ताकत मजबूत करने के लिए, अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए, कोई बड़ा ताकतवर राजा उनको ख़त्म ना कर दे, इसलिए उन्होंने संयुक्त तो एक साख्य संघ बना लिया था कि भाई हम एक एक करके रहेंगे तो हमको कोई खा जाएगा, हम सब लोग संगठित रहेंगे, सभी साख्य राजा एक मिल के रहेंगे तो हम बड़े वाले जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उनसे बचते रहेंगे। तो उनका साख्य संघ था, तो साख्य संघ में वो सदस्य नामित हो जाते हैं, 8 वर्ष तक वो उसके सदस्य रहते हैं। 8 वर्ष के बाद एक घटना घटित होती है रोहिणी नदी की और साख्य और कोलियों के बीच की, उसको दूसरे लोगों ने दूसरी तरह से प्रचारित किया, ये सिद्धार्थ का गृह त्याग है। गृह त्याग को जो सही गृह त्याग है वो ना बताकर उसको दूसरे तरह से बताया गया है। देखिए हम लोग बाबा साहब पे भरोसा कर सकते हैं ना, निसंकोच बिना किसी सवाल के कर सकते हैं ना। तो बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा है बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म उनको लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, बुद्ध और उनका धम्म लिखने की उनको इसलिए जरूरत पड़ी, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि बुद्ध के 500 वर्ष बाद भिक्खु संघ में घुसपैठ हो गई,
घुसपैठ हो गई, अर्थात जो लोग बुद्ध के विचार से सहमत नहीं थे वह लोग भी उसमें घुस गए, और उन लोगों ने घुसकर उनकी सही दिशा को उसमें कुछ मिलावट करने की कोशिश की। अर्थात बाबा साहब ने धम्म पद को या जो त्रिपिटक है उसको शुद्ध रूप से बुद्ध का वचन मानने से इनकार कर दिया, ये माना कि इसमें कुछ मिलावट हुई है। तो उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म लिखा। एक बात मैं और आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, हमसे एक सवाल पूछा जाए कि भाई संविधान को लिखने में बाबा साहब को कितना टाइम लगा, तो मुझे लगता है 100 में से 90 लोग इसका आंसर दे देंगे, 2 वर्ष 18 महीने 11 महीने 18 दिन लगे, है ना। लेकिन ये पूछा जाए कि बुद्ध और उनका धम्म लिखने में बाबा साहब को कितना टाइम लगा, तो मैं समझता हूँ 100 में से 1 व्यक्ति भी बताना मुश्किल है ना। बुद्ध और उनका धम्म लिखने में बाबा साहब को 5 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा, और ये धम्म उनका जीवन का अंतिम ग्रंथ है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें इतना टाइम क्यों लगा, संविधान से भी ज़्यादा टाइम इसमें क्यों लगा, क्योंकि बाबा साहब ऐसा जानते थे कि धम्म के लिए मेरा जो ग्रंथ लिखा जा रहा है ये केवल भारत के लोगों के लिए नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए होगा, और पूरे दुनिया के बौद्धों के लिए जब ये होगा तो भूल से भी इसमें कोई गलती ना होने पाए, भूल से भी इसमें कोई त्रुटि ना होने पाए, इसलिए उसको लिखने में उनको ज़्यादा टाइम लगा और बहुत सावधानी से उन्होंने उसको लिखा। तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो बुद्ध और उनका धम्म जो उसमें से पढ़ी है वो बता रहा हूँ, ये मेरी बातें नहीं हैं, इसलिए मैंने ये सब आपको बताया। रोहिणी नदी को लेके झगड़ा हुआ साख्यम और पोलियो में, परिस्थितियाँ ये पैदा हो गई कि बुद्ध को गृह त्याग करना पड़ा। इसका एक वाक्य है उसकी चर्चा करके मैं आगे बढ़ता हूँ। जब राज्यसभा में उनका निष्कासन देश से तय हो गया लगभग, तो वो बहुत चिंतित थे, इतने चिंतित थे उनको लग रहा था कि भाई मेरे माता पिता बड़े दुखी होंगे, प्रजा बहुत दुखी है, प्रजा का भी काम मेरे बगैर चल जाएगा, माता पिता का काम भी मेरे बगैर चल जाएगा, लेकिन मेरी एक पत्नी है एक बच्चा है, पता नहीं उसका तो बहुत बुरा हाल होगा। तो बड़े सोचते सोचते वो महल जाते हैं, और महल जाकर जहाँ यशोधरा जिस कक्ष में थी रूम में थी उस रूम में जाते हैं और जाकर चुप से खड़े हो जाते हैं। यशोधरा भी चुप खड़ी होती हैं, सिद्धार्थ भी चुप खड़े होते हैं, फिर यशोधरा ही बोलती हैं। बुद्ध तो ऐसा सोच रहे थे ये बेहोश हो जाएंगे गिर पड़ेंगे सुनकर, लेकिन यशोधरा बोलती हैं। क्या बोलती हैं यशोधरा सिद्धार्थ को कि आप कर भी क्या सकते थे, परिस्थितियां ही किस कुछ इस प्रकार की निर्मित हो गई थी, आप कर ही क्या सकते थे, परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की निर्मित हो गई थी, अब आपने गृह त्याग करने का निर्णय ले ही लिया है तो ऐसे किसी पंथ का निर्माण करना जिसमें मनुष्य दुखी ना हो, ऐसा उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को कहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जब काम के लिए निकलते तो हमारी पत्नी तो सामने हाथ खड़ा कर देती है कि ये सब ठेका तुम ही ने ले रखा है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन उस आज से 2500 वर्ष पहले उस माता का भी धन्यवाद करो जिसने सिद्धार्थ को ये शब्दों के साथ विदा किया, हौसला बढ़ा के विदा किया, और वो चले गए। वो निकले किस खोज के लिए, उनके दिल में प्रश्न क्या था, उनके दिल में प्रश्न ये था कि मुझे ईश्वर से मिलना है और एक ही बात पूछनी है कि सब लोग तेरी संतान हैं तो ये वर्ण व्यवस्था क्यों, जाति व्यवस्था क्यों, एक ऊंचा है एक नीचा है, भेदभाव क्यों। तो उन्होंने जब कहा तो किसी ने कहा सब फलाश्रम चले जाइए,
वो गुरुजी हैं, वो बहुत अच्छा बता देंगे, उनको ज्यादा ज्ञान है, तो वहां गए। उन्होंने जितना बताना था बता दिया। इस तरह उस समय के जितने ऋषि मुनि थे, आठ आश्रमों में वो गए। आठ आश्रमों में भी जितने ज्ञानी थे, ऋषि मुनि थे अनंत, वो सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सिद्धार्थ, जितना हम जानते थे हमने बता दिया, इससे आगे हमको भी नहीं मालूम। बुद्ध को उनके प्रश्न का आंसर नहीं मिला। फिर वो खुद बुद्ध गया चले गए और वहाँ जाकर 6 वर्ष तक उन्होंने एक कठिन तप किया, मतलब पराकाष्ठा उन्होंने पार कर दी तप की। पूरा शरीर उनका जीजड़ शीशड़ हो गया। 24 घंटे में एक चावल का दाना वो खाते थे। एक घटना घटित होती है कि उन्होंने सुजाता की खीर खाई और खीर खाने के बाद फिर उन्होंने 40-50 दिन का भोजन इकट्ठा किया और पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए और उनको बैसाखी की पूर्णिमा को, आज से 2500 वर्ष पहले बैसाखी की पूर्णिमा को उनको बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा हमने सुना है, ऐसा ही हमारे भिक्खु लोग हमें बताते हैं, ऐसा ही हमारे धम्म आचार्य या धम्म प्रचारक हमको बताते हैं। लेकिन विस्तार से ये कोई नहीं बताते कि जो उनको बोधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो था क्या, आखिर वो क्या था। वो कहते बोधि प्राप्त हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। हम भी आगे आगे बोलते जाते हैं, हमसे जो सुनते हैं वो और आगे बोलते जाते हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती कि उनको बोधि क्या प्राप्त हुई। मैं अपने शब्दों में बताता हूँ कि बुद्ध को क्या बोधि प्राप्त हुई थी, उन्हें कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये मेरे शब्द है, बुद्ध के शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द है। बुद्ध को प्राप्त हुआ, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को उन्होंने जाना कि ईश्वर नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में नहीं है। ये कुछ मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए ईश्वर नाम का एक भूत खड़ा किया है, जिससे डरा डरा कर ये मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों का शोषण करते हैं। ये मैंने अपने शब्दों में कहा। बुद्ध के शब्दों में क्या है? ये बुद्ध के शब्दों में है, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है, उपाय है। दुख है, दुख का कारण बुद्ध ने क्या बताया? अविद्या। दुख का कारण अविद्या है, अज्ञान। चूंकि समूचे मानव समाज को शिक्षा दीक्षा ज्ञान से वंचित किया गया, उनको दूर रखा गया और उनको पशु जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया, और फिर ईश्वर नाम का भूत दिखाकर उनको हमेशा छला गया, लूटा गया। ये बुद्ध ने जाना। ये जानने के बाद उन्होंने ये सोचा कि भाई ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये काम जिन्होंने किया है, जिन्होंने ईश्वर बनाया है, ईश्वर पैदा किया है, काल्पनिक ईश्वर का जिन्होंने निर्माण किया है, ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बुद्धिमान और ज्ञानवान लोग हैं। पढ़े लिखे होते, बुद्धिमान होते, ज्ञानवान होते तो भी मुकाबला किया जा सकता था। ये बहुत चालाक किस्म के लोग हैं, षड्यंत्रकारी हैं, रोज नई नई षड्यंत्र पैदा करने वाले लोग हैं, बेईमान लोग हैं। तो इनसे जब मुकाबला करना है तो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, ये प्रश्न बुद्ध के दिमाग में उठा। एक बार तो वो निराश भी हुए। उनके एक सहयोगी सहपति ने उनको निवेदन किया कि तथागत, यदि आप धर्म का उपदेश नहीं करेंगे, ज्ञान का उपदेश नहीं करेंगे, तो आप भी अन्याय नहीं कर रहे, आप भी तो अन्याय कर रहे हैं। जब आपने कारण जान ही लिया है तो कम से कम उस कारण का उपदेश होना चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए। तो सहपति जो था, तो उनका फिर अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया
और उन्होंने ये सोचा, बुद्ध ने क्या सोचा कि मुझे अगर इस संस्कृति से, इस व्यवस्था से लड़ना है और इसको पराजित करना है तो मुझे भी ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो उनसे भी ज्यादा ज्ञानवान हो, उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। और ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, इतने भर से काम नहीं चलेगा, त्यागी भी हो, चरित्रवान हो, धैर्यवान हो, शीलवान हो, और उनके ऊपर उनके परिवार की कोई जिम्मेवारी भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे, ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसा उनके दिमाग में आया कि जो 5 प्रावजक मेरे साथ थे, जो मेरा बहिष्कार करके चले गए थे, वो सत्य की खोज के लिए निकले थे और वो सत्य मैंने जान लिया है, तो क्यों ना मुझे उस सत्य को उनको ही पहले बताना चाहिए। तो आषाढ़ी पूर्णिमा जो आने वाली है, जिसको हम लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन उन्होंने सबसे पहले उन 5 प्रवाचकों को अपना धम्मोपदेश दिया, जो उन्होंने जाना उनको बताया, और बताकर कहा, जब वो सहमत हो गए, भिक्खु हो गए, उनके मुंह से निकला तथागत। तथागत का मतलब बताते लोग कहा जाता है, यही सत्य है। तो जब वो उनके साथ हो गए तो उन्होंने कहा, इतनी भर संख्या से काम नहीं चलेगा, हमें एक संघ का निर्माण करना होगा और उस संघ में इसी क्वालिटी के लोगों को लाना होगा, जो गृह त्याग करेंगे, जो विद्वान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, चरित्रवान होंगे और शीलवान होंगे, प्रज्ञाशील करुणा उनमें होगी, और वो अपना संपूर्ण जीवन मानवता के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे। ये उन्होंने बनाया, और बनाकर इसको कहा जाता है, बाबा साहब की किताब है, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, मैं ये जो बात बता रहा हूँ उसी में से बता रहा हूँ। उस किताब का नाम है क्रांति की प्रतिक्रांति, यानी पहली क्रांति हुई आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण पहली क्रांति हुई, जिस क्रांति ने हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट करके अपनी ब्राह्मण संस्कृति की स्थापना की, ये पहली क्रांति थी। उस क्रांति की प्रतिक्रांति मतलब उसके विरोध में जो क्रांति पैदा की वो बुद्ध ने पैदा की। ये किताब बाबा साहब ने लिखी है, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। तो 45 वर्ष का ये जो उनका संघर्ष था, वो संघर्ष में बुद्ध को सफलता मिली, उनके जीवन में वो सफल हुए, अपने जीवन में ही सफल हुए। कैसे सफल हुए? जो 5 शील उन्होंने दिए, 8 अष्टांग मार्ग उन्होंने दिए, वो उस वक्त के जो शक्तिशाली राजा थे, जैसे राजा अजातशत्रु, राजा प्रसन्नजीत, उन्होंने इस बुद्ध की शिक्षा को अपने राजधर्म घोषित कर दिया, राजधर्म घोषित कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति जो थी उसमें यज्ञ होते थे, बलि होती थी, सती प्रथा होती थी, तो उन्होंने कहा भाई ये तो सब बहुत ही गलत काम है। तो अजातशत्रु ने, प्रसन्नजीत ने और उस वक्त के जो राजा थे, उन्होंने ये सब प्रतिबंध कर दिया, कोई बलि नहीं होगी, कोई यज्ञ नहीं होंगे, ये सब किया, और मानवता जैसे पहले थी सिंधु घाटी के सभ्यता के दौर में जो मानवता थी, वही मानवता दोबारा कायम हमारे देश में हो गई। और पहली सफलता मिली कि शूद्र समाज से, जिसे चौथे वर्ण में घोषित किया गया था, उसी समाज के एक व्यक्ति पद्मानंद को चक्रवर्ती राजा बनने का मौका मिला, जो नाई समाज से था। उसके बाद फिर उनके भतीजे चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार को, और बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक सम्राट ने जब धम्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, तो उन्होंने समूचे जम्मू द्वीप में पुनः धम्म का शासन, मानवता का शासन, धम्म का मतलब मानवता का शासन, मानवता का शासन उन्होंने स्थापित कर दिया। और इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने उसको स्थापित किया कि इंसानों के लिए ही हॉस्पिटल नहीं बने, पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल बने।
ये अशोक सम्राट के शासनकाल को जब आप पढ़ेंगे, जैसे मौर्य शासनकाल इतिहास में कहा गया है, यदि आप पढ़ेंगे तो इंसानों के लिए तो अस्पताल बने ही बने थे, लेकिन पशुओं के लिए भी पहली बार हॉस्पिटल बने, पहली बार डॉक्टर बने कि भाई पशु को भी, वो भी जीवन जीना चाहता है जैसे मनुष्य जीवन जीना चाहता है, ऐसे पशु में भी जीव है, वह भी अपना जीवन जीना चाहता है। तो ये सब चलता रहा और ये चला विरहदत्त तक चला। इस क्रांति को लिखा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्रांति की प्रतिक्रांति, यानी बुद्ध की क्रांति के विरोध में फिर एक क्रांति होती है, और वो क्रांति इतिहास में आई है। किस नाम से आई है? पुष्य शुंग मित्र के नाम से आई है। पुष्य सित्र मिंग ने ब्राह्मण में